बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड्डो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज मैं अफ्तारी के लिए बनाने लगी हूँ आलू रोल समोसा। तो जिसके लिए पहले मैं ये मैदे की डो तैयार कर लूँगी, फिर आगे जो होगा दिखाते हैं। इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ी सी अजवाइन, नमक, घी, हम इनको अच्छी तरह से मैं करती हूँ मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे जब ये बन जाए ना मुट्ठी, तो फिर आपने पानी डाल के तो इसको गूंद लेना। डो तैयार हो गई है, इसके सेट होने तक हम बना लेते हैं आलू का मिक्सचर, वो तैयार करते हैं, उतनी देर में ये सेट हो जाएगा मैदा। डो मैंने तैयार कर लिया, अब ये बना लेते हैं मिक्सचर तैयार। ये आलू बॉयल कर लिए है और इसमें अब मैं डालूँगी ज़ीरा, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, खुश्क धनिया पीसा हुआ और कलवंजी। और ये सब्ज़ धनिया और एक मिर्च इसमें काटी हुई है सब्ज़ मिर्च। ये चीज़ें आपने आलू जितने मतलब आलूओं के मुताबिक ही ये मसाले डालने हैं आपने। अब इनको मैं हाथ की मदद से करती हूँ मिक्स। मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया, अब इसकी बनाते हैं रोटी। इसका पेड़ा मैंने बना लिया, अब इसकी बनाते हैं गोल रोटी। रोटी मैंने बना ली है, ये देखे और रोटी बन गई है। अब मैं इसके दरमियान में ये रखूँगी, छोटा सा गिलास है, आपके पास कोई भी चीज़ है, छोटी अगर कटोरी है वो आप रख सकते हैं, कोई भी चीज़ वो तो रख सकते हैं। अब मैं इसके दरमियान में ये रखूँगी। अब ये गिलास मैंने छोटा रख दिया, अब ये जो मैंने आलू का मिक्सचर बनाया वो इसकी साइडों पे ना सारा लगा दूँगी। ये देखिए आलू सारे लगा लिए इधर मिक्सचर आलू का पूरी रोटी पे, यानी कि लगा लिए। अब ये जो गिलास लगाया इसको मैं निकालती हूँ। ये देख अब इसको कट लगा लेंगे पिज़्ज़ा शेप में, पिज़्ज़ा शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये
ये एक पीस तैयार हो गया। इसको चमकाने के लिए इसको आप ऐसे खींच के इसके साथ चिपका दें। ये देखे माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। और गर्म हो गया, अब इनको फ्राई करते हैं। अब इनको करते हैं उल्ट पुल्ट। हेयर बदल लेते हैं इनकी। आलू रोल समोसा हमारे हो गया तैयार। माशाल्लाह से ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें समोसा भी रोल भी बहुत मज़े के हैं। आप चटनी के साथ खाएं, ऐसे खाएं, दिने की चटनी, केचप, जो भी घर में रमज़ान में बनती है इमली की चटनी उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के। आप भी ऐसे बनाएं। यह थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।